हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल और हमने लास्ट क्लास में देखा था बेंड मॉडिफायर और होप्स सो हो कि आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस भी किया होगा जिसने नहीं किया है प्लीज प्रैक्टिस कीजिए अगर आपको सिनेमा फोड़ी अच्छे से सीखना है तो और फाइल भी हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपको उसके ऊपर आपकी जो भी मिस्टेक्स हो या जो भी रिव्यू हो वो मैं आपको बताता चलू ठीक है तो चलिए फिर आज हम बात करेंगे बल्ज की ठीक है आज के इस uh,

तो so, so, हमने सेगमेंट्स थोड़ा बढ़ा दिया है क्योंकि ये सेगमेंट्स आपको बढ़ाना जरूरी है बिना सेगमेंट्स बढ़ाए हुए आपका काम होगा नहीं तो so, हमने सेगमेंट्स बढ़ा दिया है हमने साइड की भी सेगमेंट्स थोड़ी बढ़ा दी है अब हमें यूज करना है बल्ज तो so, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे स्िफ्ट दबा के बल्ज पे क्रिएट कर देंगे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बल्ज का मॉडिफायर जो है डिफॉर्मर ऐड हो गया यहाँ पे हम लोग डिफॉर्मर बोलते हैं बेसिकली मॉडिफायर मैं बार बार इसलिए आपको बोलता हूँ ताकि आप अगर मैक्स सीखे हो तो आपको थोड़ी आसानी होगी समझने में सो so बल्ज हमने ले लिया अब बल्ज को क्या करना है फिट टू पैरेंट ऑलरेडी है क्योंकि हमने डायरेक्ट ऐड किया है एंड नाउ द सेम थिंग लाइक यहाँ पे स्ट्रेंथ है और आप इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हो सो so देखो बहुत ही आसानी से आपका काम यहाँ पे बल्ज के जरिए बन जाता है और अगर आप चाहते हो कि लाइक like, मुझे यहां से नहीं करना थोड़ी ऊपर से करनी है तो आप इसको ऐसे ऊपर भी ले सकते हो और इसको आप ऐसे नीचे भी ले सकते हो ये देखो आप जितने भी यहां पे ये करोगे बल्ज बढ़ता जाएगा एंड ये कर्वेचर आपको कितना रखना है उसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अब मैं अगर ऊपर ले लूं बल्ज को तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारा इस तरीके से हो गया है अगर हम चाहें तो इसकी हाइट कम कर सकते हैं थोड़ी लाइक इसकी आप हाइट कम कर दीजिए तो हाइट कम करेंगे तो आपको यहां पर एक और डिजाइन बहुत अच्छे से आपको यहां पे मिल जाएगा ठीक है हम तो इसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं सर कर्वेचर जितना बढ़ाएंगे उतना यह आपका काम बनेगा तो यह देखिए हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके का भी डिजाइन बन गया है सिर्फ हमने बल्ज को इस्तेमाल किया है और हमारा ये डिजाइन आसानी से बन चुका है अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन है अगर आप यहाँ से फिलेट को ऑन कर देंगे तो ये और भी बढ़िया आपको चीज मिल जाएगी और यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं हाइट को भी बढ़ा सकते हैं आपको जैसा रखना है वैसा आप यहाँ पे रख सकते हैं तो यह है बल्ज जो कि काफी बढ़िया तरीके से काम करता है और इसके अंदर अगर हम फील्ड वगैरह यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये और भी खूबसूरती के साथ बाहर आएगा लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि वो मोग्राफ वाले चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा अब हमने यहाँ पे इसको ऐसा डाल दिया और अगर मैं यहाँ पे सिलेंडर में जाऊं एंड आई विल इंक्रीज द हाइट लाइक हमने लेकिन हाइट इंक्रीज कर दिया सी तो हमें ये मॉडिफायर प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है आप इसको जितना आपको कम ज्यादा करना है आप कर सकते हो ये जितना भी आप यहां से बढ़ाएंगे इसकी करवेचर ये कुछ इस तरीके से होता जाएगा और इसके अंदर अगर हम सेगमेंट्स बढ़ाएं लाइक like हमने इसकी थोड़ी सी हाइट की सेगमेंट्स या फिर ये वाली सेगमेंट्स बढ़ाऊंगा तो ये और भी स्मूथनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सो दिस इज कॉल्ड बल्च मॉडिफायर ठीक है अब इसके अंदर अगर हम बेंड डाल दे तो क्या होगा so, हम इसके अंदर बेंड भी डाल सकते हैं लाइक like, ऐसे हम पे डाल अब हमने बेंड डाल दिया और bend डाल के हम फिट टू पैरेंट कर लेंगे एंड इफ आई विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ वैल्यू सी दिस विल वर्क लाइक दिस क्योंकि ये बेंड अभी इसके ऊपर काम कर रहा है और अगर हम नीचे कर ले तो आपका ये प्रॉपर आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा देखिए ये बहुत ध्यान से रखना क्योंकि बेंड ऊपर है ना तो ये क्या कर रहा है कि ये सिर्फ सिलेंडर को मॉडिफाई कर रहा है और उसके रास्ते में बल्ज आ रहा है तो बल्ज को थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दे रहा है आप अगर, अगर बेंड को नीचे कर देंगे तो ये आपके लाइक like, नीचे मतलब कि ऐसा नहीं नहीं इसके अंदर नहीं डालना है यही रखना है यहां पे आपको छोड़ देना है तो ये आपका जो बेंड है ये पूरी तरीके से इसको भी एकदम प्रॉपर तरीके से इसको बेंड कर सकता है तो इस तरीके से आप मल्टीपल डिफॉर्मर को एक साथ यूज कर सकते हैं ठीक है ये देखिए तब तो यहां से मल्टीपल डिफॉर्मर को यहां पर यूज़ कर सकते हैं अब ये का भी भी इस्तेमाल आप किसी भी को मॉडिफाई करने के लिए कर सकते हैं अगर सपोज़ मान लो कि हमारे पास बढ़ा लेता so है तो डेफिनेटली ये भी हमारा यहां पे काम करेगा अब देखो यहां पे हमने फिट किया फिर टू अगर नहीं करोगे तो ये यहां रहता क्योंकि वो ग्रिड पे आता है अब आप इसको करो देखो यहाँ पे आपको मस्त वाला एकदम इफेक्ट मिलता चला जाएगा करवेचर करें सी फिलेट कर दें तो ये और भी खूबसूरती के साथ आपको यहाँ पे चीजें मिलेंगी तो बल्ज का इस्तेमाल आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी कर सकते हैं ठीक है तो बल्ज और बेंड को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए दोनों को कंबाइन करके कुछ चीजें बनाइए और अगर कोई भी डाउट है तो हमसे जरूर पूछिए हम आपके हर डाउट को क्लियर करने के लिए आप बैठे हैं कोई टेंशन नहीं लेना है अच्छे से सीखिए दिल लगा के सीखिए तो आपको और भी मजा आएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में इतना ही तो सीखते रहिए बाय टेक केयर एंड कीप लर्निंग